हेलो फ्रेंड्स, मधुमिता लिटिल किचन में वेलकम। मैं हूँ मधुमिता। आज मैंने और एक न्यू रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं शेयर कर रही हूँ टमाटर और ये सूजी से बना हुआ बहुत बढ़िया सा खूबसूरत देखने वाली ये वाला रेसिपी। मतलब देखने में जितना ही सुंदर है, खाने में उतना ही टेस्टी है। बनाना बहुत ही सिंपल है, अलग तरीका से बना के दिखाऊंगी। आप कोई मेहमान आएगा तो उसको भी बहुत आसानी से सर्व कर सकते हो, क्योंकि घर का सिंपल इंग्रेडिएंट से इतना बढ़िया सा मैंने ये वाला रेसिपी शेयर कर रही हूँ। देखने में कितना परफेक्ट लग रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी है। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में नई है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा ही हर दिन न्यू न्यू रेसिपी देखने के लिए। चलो फिर शुरू करते हैं। ये रेसिपी बनाने के लिए, मतलब ये नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए टमाटर। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 3 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया। टमाटर ज़्यादा नहीं चाहिए, 3 टमाटर में सफिशियंट बन जाएगा। आप चाहे तो 4 भी ले सकते हैं, लेकिन 3 टमाटर इसीलिए डाल दें क्योंकि इसके साथ दूसरा कुछ इन्ग्रीडियंट्स मिलाऊंगी, तो इसीलिए टमाटर का पल्प ज़्यादा नहीं लगेगा। अच्छी तरह से मैंने टमाटर को काट लिया। अब मैंने इस टमाटर को पकाऊंगी, तो एक बर्तन में रख देती हूँ। टमाटर को थोड़ा सा सॉफ्ट होने के लिए रखना है। आप चाहे तो कच्चा टमाटर भी यूज कर सकते हैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस के, लेकिन ये थोड़ा सा पकाने में क्या होगा, इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो ये देखिए, गैस में बैठा दिया। 2 से 3 मिनट के बाद ही अच्छी तरह से उबाल आ जाएगा और टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए, अच्छी तरह से टमाटर सॉफ्ट हो गया। अब मैंने इसको निकाल लेती हूँ और ठंडा होने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही मैंने इसको मिक्सर ग्राइंडर पॉट में डाल देती हूँ और इसको बढ़िया सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, बहुत बढ़िया सा फाइन स्मूथ पेस्ट बन गया। कच्चा वाला टमाटर यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा कच्चा स्मेल आता है। तो ये देखिए, अच्छी तरह से मैंने इसको छान भी लेती हूँ ताकि इसका जो सीड है, छिलका है, वो निकाल के आ जाएगा। थोड़ा सा पानी भी डाल देती हूँ। पानी और थोड़ा सा डाल सकते हैं क्योंकि बाद में पानी यूज करना है, तो इसीलिए ये देखिए, अच्छी तरह से पानी डाल के इसको छान लेती हूँ। अच्छी तरह से छानने के बाद ये देखिए, टमाटर पल्प निकल गया और ये जो छिलका वगैरह वो अलग कर दिया। अब मैंने इसके साथ डाल लिया कुछ मसाला। जैसे पहले डाल लियो 1 चम्मच टमाटर का पाउडर, आप चाहे तो डालिए, ऐसा फिर मत डालिए। टमाटर पाउडर ऐसा ही नॉर्मली अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन मेरे घर में है तो इसीलिए थोड़ा सा टमाटर पाउडर और थोड़ा सा डाल दिया रेड चिली पाउडर। अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। टमाटर पाउडर कैसे बनाते हैं, पूरा साल भर के लिए कैसे स्टोर करते, वो रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अच्छी तरह से मिलाने के बाद आप डालूंगी पानी। 1 कप मैंने पानी डाल दिया, थोड़ा सा पतला ही करना है। अब मैंने गैस के ऊपर बैठा देती हूँ। थोड़ा सा नमक भी डाल देती हूँ एक साथ में, और अच्छी तरह से मिला रही और बहुत बढ़िया सा उबाल आने के लिए ऐड करती हूँ। जितना बढ़िया सा उबाल आएंगे उसके बाद मैंने डालूंगी रवा। तो ये देखिए, उबाल अभी तक आया नहीं। थोड़ा सा चीनी भी डाल देती हूँ ताकि ये ज़्यादा खट्टा ना हो जाए। चीनी आप चाहे तो डालें, ऐसा पर मत डालिए। यहाँ पे देखिए, मैंने 1 कप ये वाला मीडियम साइज़ का, मतलब जैसे रवा वगैरह बनाते हो ना, उपमा वगैरह, उसी तरीके का रवा यहाँ पे मैंने डाल देती हूँ। थोड़ी सी ऑयल, ऑयल डालने से क्या होगा, इसका जो मिक्सचर बनेगा ना, वो हाथ में चिपकेगा नहीं, तो ज़रूर 1 चम्मच ऑयल डालना। अच्छी तरह से मिला दिया। आप देखिए, धीरे धीरे उबाल आ रही है। बहुत ही परफेक्ट उबाल आने के बाद ही मैंने डालूंगी रवा। अच्छी तरह से उबाल आने के बाद अब मैंने डालती हूँ ये सूजी। तो ये देखिए, बहुत बढ़िया से उबाल आ गया। अभी सूजी जो है वो धीरे धीरे डालेंगे, एक हाथ में डालेंगे और एक हाथ से अच्छी तरह से मिलाते रहेंगे। ऐसे फिर इसके अंदर गुठली आ जाएगा, मतलब बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो इसीलिए कोशिश कीजिए एक हाथ में इसी तरह से घुमाना है और एक हाथ से ये रवा डालना है। अभी इस रवा और टमाटर का जो बाइंडिंग है वो बहुत ही बढ़िया सा पकाना है। जितना परफेक्ट पकाएंगे उतना ही खाने में टेस्टी होगा, मतलब वो मुंह में छिपकेगा नहीं। तो इसीलिए 5 से 7 मिनट तक मैंने इसी तरीका से इसको गैस के ऊपर बिठा के पकाई हो। ये देखिए, अच्छी तरह से इसमें उबाल भी आ रही है और किस तरीका से मैंने बना रही हूँ देखिए। ये तो अच्छी तरह से बन जाएगा, थोड़ी आप रवा भी डाल सकते हो, मतलब तुरंत ही ये बाइंडिंग बन जाएगा। लेकिन जितना बढ़िया सा पकाएंगे उतना ही परफेक्ट ये टेस्ट आएगा, रियली मुंह में छिपकेगा नहीं। तो ये देखिए, अच्छी तरह से गाढ़ा भी हो गया, हाथ में छिपक नहीं रहा है, मतलब ये परफेक्ट बाइंडिंग हो गया। अब मैंने गैस का हीट बंद कर देती हूँ। हाथ में लगा के भी देख लिया, ये देखिए बहुत बढ़िया से इसका गोला बन रहे, हाथ में छिपकेगा भी नहीं। तो इस तरीका से बनाने हैं और थोड़ी देर तक इसको पकाना भी है। आप देखिए, अच्छी तरह से ठंडा हो गया और ठंडा होने के बाद ही मैंने इसका बॉल्स बनाऊंगी। थोड़ा सा हाथ में ऑयल लगा लिया। आप देखिए किस तरीके से बना रही हो। थोड़ा सा एक प्लेट में निकाल लेती हूँ ताकि अच्छी तरह से मैश भी हो जाएगा और बनाना भी आसान हो जाएगा, मतलब बहुत ही चिकना और स्मूथ बॉल बना सकती हो।
तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने सूजी का जो मिक्सचर है हाथ की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। आप इसका बनाते हो बॉल्स, आप चाहे तो थोड़ा सा हाथ में ऑयल लगा लीजिए ताकि ये चिपकेगा नहीं हाथ में और आसानी से बना सकते हैं। थोड़ा सा छोटा छोटा साइज़ का मैंने इसी तरीक़े से मैंने बॉल बना रही हूँ। दोनों हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया ताकि थोड़ी सी भी हाथ में चिपकेगा नहीं। ऐसे ही ज़्यादा देर तक हम लोग की सूजी का जो मिक्सचर है गैस में पका है तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं, आसानी से ही बन जाएगा। तो ये देखिए कितना परफेक्ट ये बॉल्स बना रहे हैं। इसी तरीक़े से बॉल्स बनाना है। आप चाहे तो ऐसा गोल वाला भी शेप दे सकते हैं, ऐसा पे थोड़ा सा चपटा भी दे सकते हैं, लेकिन ये गोल वाला जो बॉल्स जैसा है ना देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो इस तरीक़ा से मैंने बना रही हूँ, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इसी तरीक़े से देखिए बॉल्स मैंने पूरा बना लिया। अब मैंने इस बॉल्स को थोड़ा सा स्टीम दूंगी ऐसा ही, तो अच्छी तरह से क्योंकि मैंने सूजी को पका लिया था अच्छी तरह से पक गया, लेकिन और थोड़ा सा स्टीम देने में क्या होगा, ये थोड़ी भी मुंह में छिपकेगा नहीं। तो इसीलिए थोड़ी देर तक इसको स्टीम देना है। अच्छी तरह से ऑयल ब्रश कर लिया थाली में, अब मैंने डाल दी तो थाली के ऊपर ये पूरा बॉल्स। आप चाहे तो ऐसा ही इसको थोड़ा सा मतलब कढ़ाई में तेल डाल के थोड़ा सा तड़का लगा के इसको फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टीम देने में क्या होगा ना, ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, आप डाल देते हो ये वाला थाली और 3 से 4 मिनट या 5 मिनट आपको इसको ढक के स्टीम देना है। 5 मिनट में ये बढ़िया सा स्टीम हो जाएगा। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद अच्छी तरह से ये स्टीम हो गया, मतलब और भी अच्छी तरह से ये जो सूजी है पक गया। थोड़ा सा टेस्टी बनाना है तो इसी तरीक़ा से बनाना है। अब मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखूँगी, ज़्यादा नहीं थोड़ी देर तक, तो ठंडा होने के बाद ही तड़का लगाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक फ्राई पैन लिया, डाल देती हूँ थोड़ी सी ऑयल, ज़्यादा नहीं 1 चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया और डाल देती हूँ थोड़ी सी सरसों। आप चाहे तो हींग वगैरह भी डाल सकते हो, थोड़ी सी सरसों, थोड़ी सी डाल रही हूँ जीरा, सरसों जीरा के साथ डाल देती हूँ थोड़ी सी सफ़ेद तिल और डालूँगी 4-5 करी पत्ता। आप चाहे तो मिर्ची भी डाल सकते, लेकिन मैंने मिर्ची नहीं डाली क्योंकि मैंने जो बॉल्स बना रही थी सूजी के मिक्सर में मैंने थोड़ी सी मिर्ची पाउडर डाली थी, तो इसीलिए एक्स्ट्रा करके मैंने और मिर्ची नहीं डाल रही हूँ। आप देखिए थोड़ा सा ठंडा हो गया, अब मैंने डाल देती हूँ ये वाला बॉल्स तड़का के साथ और इसको भी थोड़ी देर तक फ्राई करूँगी। मतलब जितना बढ़िया सा फ्राई करेंगे ना, ये ऊपर से थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा और अंदर से तो बहुत बढ़िया सा पकेगा, क्योंकि हम लोग पहले भी अच्छी तरह से इसको पकाया था और इसको स्टीम दिया, तो इसीलिए इसको अभी इसको फ्राई करना है ताकि ऊपर से थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा। मैं दिखाऊंगी किस तरीके से फ्राई करना है, थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो इसी तरीके से 5 से 7 मिनट तक और भी मैंने इसको फ्राई करूँगी। धीरे धीरे फ्राई करेंगे तो ऊपर थोड़ा सा क्रिस्पी होगा और बहुत ही टेस्टी होगा खाने में। आप चाहे तो ऐसे तड़का लगा कि मतलब नॉर्मली बिना फ्राई किया हुआ भी खा सकते, लेकिन थोड़ा सा इसी तरीके से फ्राई कीजिए टाइम लेकर, रियली बहुत ही मस्त इसका टेस्ट आएगा। आप चाहे तो इस नाश्ता बनाने के लिए ऊपर से मतलब अभी थोड़ा सा फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट भी डाल सकते हैं। जो लोग कोकोनट खाना पसंद करते इसी टाइम थोड़ा सा कोकोनट डाल के बनाएंगे तो इसका टेस्ट मतलब इसका जो फ्लेवर है और भी बढ़िया सा आएगा। थोड़ा सा फ्रेश कोकोनट भी डाल सकते हैं। तो देखिए धीरे धीरे मैंने इसको फ्राई कर रही हूँ, इसका कलर भी कितना चेंज हो गया, ये देखिए अच्छी तरह से ये बॉल्स जो फ्राई हो रहा है। ऊपर से मैंने डाल देती हूँ थोड़ा सा बारीक काटा हुआ हरा धनिया। अब मैंने दिखाती हूँ कि कितना बढ़िया सा ये फ्राई हुआ है। अच्छी तरह से धनिया पत्ता को एक बार मिला लेती हूँ। इस वाला नाश्ता को टेस्ट बढ़ाने के लिए ऊपर से आप थोड़ा सा कोई मैगी मसाला, नूडल्स मसाला कुछ भी डाल सकते और भी चटपटा बन जाएगा, क्योंकि खट्टा मीठा चटपटा ये वाला देखने में जितना सुंदर है नाश्ता खाने में उतना ही टेस्टी होगा। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा ये फ्राई हो गया, मतलब 5 मिनट तक मैंने अच्छी तरह से फ्राई होगा। ये देखिए कलर भी चेंज हो रहा है, कितना मस्त ये बन गया। आप मैंने निकाल के सर्व करके भी दिखाती हूँ। गर्म गर्म खाइए, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद भी और भी अच्छा लगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद और भी थोड़ा सा कड़क हो जाता है, ऊपर से भी बहुत बढ़िया सा तो क्रिस्पी है। चलिए अब मैंने प्लेट आउट करके भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने सर्व कर लिया, मैंने तोड़ के भी दिखाती हूँ एक बॉल्स ताकि इसका अंदर का टेक्सचर भी कितना परफेक्ट है। ऐसे ही मैंने जितना टाइम लेकर इसको बनाया मतलब परफेक्ट ये बन गया। ऊपर से भी देखिए क्रिस्पी है, कलर भी चेंज हो गया और अंदर से भी अच्छी तरह से पक गया। तो ये देखिए इसको देखने में कितना बढ़िया सा लग रहा है। अब मैंने तोड़ के भी चलिए दिखाती हूँ, ये देखने में खाने की इच्छा होगा। कोई भी टमाटर चटनी या सॉस के साथ भी खा सकते हैं।
तो ये देखिए मैंने तोड़ के दिखाती हूँ, कितना सॉफ्ट है ये देखिए। और अंदर देखिए बहुत बढ़िया सा परफेक्ट, ये जो रावा है ना अच्छी तरह से पक गया, क्योंकि मैंने अच्छी तरह से रावा को पकाया था पहले, उसके बाद स्टीम दिया, उसके बाद फ्राई किया, तो इसीलिए इसका जो टेस्ट है ना, आप लोग इसी तरीका से एक बार बना के देखिए, रियली बहुत ही मस्त और अच्छा लगेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा ही हर दिन न्यू न्यू रेसिपी देखने के लिए। और बेल बटन को प्रेस करना ना भूले, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए मेरा हर दिन ऐसा ही न्यू न्यू रेसिपी देखने के लिए।